आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि 11 अगस्त सुबह 10 बजे दिल्ली जंतर मंतर पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके जिन लोगों ने आप लोगों के हक अधिकारों के लिए अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपना भविष्य कुर्बान कर दिया, जो लोग आज तक जेलों में पड़े हुए हैं साथियों। क्योंकि अगर आप लोग आज उन लोगों की आवाज़ नहीं बने तो भविष्य में कोई आपकी आवाज़ बनने को तैयार नहीं होगा। और आइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और इस मनुवादी सरकार को झुकाने का काम करिए। सर्वप्रथम क्रांतिकारी जय भीम, जय काशीराम, जय भीम आर्मी, जय नील असलम। जैसे आपने कहा कि भाई क्या उद्देश्य था आज यहाँ पे आने का, तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज मेरा यहाँ आने का जो उद्देश्य है वो हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 2 अप्रैल में पीड़ित लोगों को लेकर के, उन लोगों को न्याय दिलाने के संदर्भ में हम लोग 11 तारीख को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए आज आपके दिल्ली में मैं आया हूँ। और यहाँ पे मैं सभी जगह जाकर के प्रचार प्रसार करूँगा कि भाई दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग घरों से बाहर निकलें और जिन लोगों ने आप लोगों के हक अधिकारों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी और हज़ारों की संख्या में फर्जी तरीके से मुकदमे लगवा करके अपने ऊपर और अपना भविष्य खराब करा के आज समाज में कहीं भी नहीं है, और जो आज तक भी जेल में पड़े हुए हैं उनके लिए आप लोग घरों से बाहर निकलें और दिल्ली जंतर मंतर 11 अगस्त को पहुँचें सुबह 10 बजे, ताकि सरकार उन लोगों को न्याय दे सके, सरकार तक वो बात पहुँचे और सरकार देखे कि ये जो बहुजन है ये अब जाग रहा है। आज इसीलिए मैं यहाँ पे आपके दिल्ली में आया हूँ। उपकार जी, अभी सोशल मीडिया पर आपके फोटो वायरल हुए, आप सब्बीरपुर गए थे, क्या रहा वहाँ का मामला? जो 55-56 घर जो जलाए गए थे उनकी क्या स्थिति है? क्योंकि मैं स्वयं जा नहीं पाया, अपनी जो मेरा पैर है वो मेरे को नहीं इजाज़त दे पा रहे थे दूर जाने की। मैं हाल ही में मुश्किल से 15-20 दिन हुए होंगे, 15 दिन होंगे लगभग जी, 15 दिन पहले सब्बीरपुर गया था और वहाँ आज भी 144 लगी हुई है। काफ़ी प्रशासन को हम लोग इतला करा के गए तो काफ़ी प्रशासन हमारे साथ गया और वहाँ जाकर के हम लोगों ने जो पीड़ित लोग थे उन लोगों से बातचीत की, तो वहाँ आज तक भी किसी प्रकार से कोई वाजिब सहायता नहीं मिल पाई उन लोगों को। जिस प्रकार से लोग दम भरते हैं, हमारे दुनिया भर के संगठन हैं बहुजन समाज के, वो दम भरते हैं कि हम ये हैं हम वो हैं, परंतु मैं कहीं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं वो लोग झूठे साबित होते हैं। अगर आप कभी सब्बीरपुर जाएं तो इस चीज़ की खोजबीन करें, स्वयं जाकर के देखें कि वास्तविकता में धरातल पे क्या सहायता हुई है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं आप उन लोगों का दर्द बांटें, उन लोगों के पास जाकर के पूछें कि आप लोगों की सहायता किस प्रकार से किस किस व्यक्ति ने की है। तो अभी क्या स्थिति है वहाँ पर, जो घर थे उनको पुनर्वास किया गया, उन्होंने अपने घर बनाए, किस क्या स्थिति है? स्थिति कोई खास नहीं है जी, स्थिति यथावत बनी हुई है। जो गंभीर रूप से घायल थे वो आज तक भी सही तरीके से अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, और मैंने देखा वहाँ लोगों से बातचीत हुई तो वे कहीं ना कहीं पीड़ित हैं आज भी, उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। समता आवाज़ टीवी की आपसे गुजारिश है, समता आवाज़ टीवी को जीवित रखने के लिए, समता आवाज़ टीवी को बचाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बराबर में बैल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आपको तुरंत मिलती रहे। समतावाज की आपसे पुनः गुजारिश है, समतावाज टीवी की हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।